आजकल सब्जी चर्चा में है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सब्जी की महंगाई की बात कर रही हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात कर रही हूं धर्म वाली सब्जी की। जी हाँ, सब्जी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो काफी हेल्दी होती है, यानी आपको स्वस्थ रखती है। और हम हमेशा सुनते हैं कि हरी सब्जी खानी चाहिए, लेकिन अब सब्जी में भी धर्म की एंट्री हो गई है। सब्जी की दुकानों पर सनातन सब्जी वाले के बोर्ड लगने लगे, यानी सीधी भाषा में कहें तो ये सब्जी वाले हिंदू हैं। दरअसल ये विवाद शिमला में हो रहा है। अवैध मस्जिद निर्माण से शुरू हुआ विवाद अब बढ़कर आर्थिक और बहिष्कार और सनातनी सब्जी वालों तक पहुंच गया है। आज हम इसी पर बड़ी बहस करेंगे। पहले हमारी एक रिपोर्ट देखिए। देवभूमि हिमाचल में मजहब पर जंग लगातार जारी है। पहले हिमाचल प्रदेश में संजुली में अवैध मस्जिद के खिलाफ लड़ाई हुई, जमकर हंगामा हुआ। अब ये लड़ाई सनातन पर पहुंच गई है। शिमला के संजौली की सब्जी की दुकानों के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें सनातन सब्जी वाला लिखा हुआ है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दुकानों के बाहर ये बोर्ड लगाए हैं, साथ ही लोगों से हिंदुओं से ही सामान खरीदने की अपील की गई है। मतलब साफ है कि अब फल और सब्जी में भी धर्म को खोजा रहा है। आम आदमी तो कंफ्यूज है, उसको सब्जी लेनी है, खाना बनाना है शाम को, अब कौन कहाँ क्या किससे क्या लेता है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हम डिवाइड कर रहे हैं, यूनाइट नहीं कर रहे। सनातन सब्जी वाला लिखने के साथ साथ बाहरी लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के अलावा फर्जी नाम से सामान बेचने, फर्जी आधार कार्ड और अवैध मस्जिद निर्माण जैसे लगातार मामले सामने आ रहा है। और इस सबको रोकने के लिए देवभूमि संघर्ष समिति ने सब्जी और फल पर सनातनी नाम लिखने का फैसला किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मस्जिद से शुरू हुआ विवाद फल सब्जी तक पहुंचकर ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया है, या सनातनी फल सब्जी कहना जरूरी है। इसी पर बड़ी बहस करेंगे। सब्जी का भी धर्म तय होगा? महंत नवल जी, क्या कहेंगे आप कि अब ये सब्जी का भी धर्म तय होने लगा है? अभी तक तो हिंदू मुसलमान हम लोग इंसानों के रूप में करते थे, अब सब्जी में भी हो गया ये? नहीं नहीं, सब्जी का धर्म नहीं है। वास्तव में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो क्या हमें ये अधिकार नहीं है हम जान सके कि सामने वाला कौन है और उसमें कितनी शुद्धता और पवित्रता है? वो सब्जी में थूका नहीं गया होगा, सब्जी के साथ और भी कोई पेशाब नहीं की गई होगी या गंदे नाले में धोई नहीं गई होगी। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर महंत नवल किशोर कह रहे हैं कि साहब सब्जी में थूक तो नहीं दिया गया, ये एक बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर दो सब्जी वाले और फल वाले मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे उनसे भी जरूर जानना चाहिए कि जो सब्जी का धर्म तय हो रहा है क्या वो खुश है इससे? ये जो सब्जी का धर्म भैया तय हो रहा है क्या खुश हो इससे? खुश है, मतलब इससे तुम्हारी दुकान चमकेगी, मुसलमानों से कोई खरीदेगा नहीं और हिंदू यहाँ बड़ी संख्या में, इसलिए? नहीं, उससे तो नहीं है, उससे कुछ नहीं है। फल वाले भैया क्या कह रहे हैं बताइए भाई, सनातनी फल वाले भैया क्या कहोगे आप? ये कहा जा रहा है कि साहब सिर्फ हिंदुओं से सब्जी खरीदो। नहीं मैम, ये बात गलत है। ये बात गलत है, और जूस कॉर्नर वाले भी यही कहेंगे। तो भाई देखिए, यहाँ पर जो सब्जी फल वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये गलत है, लेकिन यहाँ पर संत नवल जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई थूक दे ये तो हमें पता होना चाहिए। तो जल्दी से महंत अमन गिरी का मैं रुख कर लेती हूँ। महंत अमन गिरी, क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए, क्या ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है? ये बिल्कुल सही हो रहा है, सनातन सच्चाई का अभिप्रिय है। आप सनातन को और सच्चाई को एक दिशा में देखें, थूक मूत्र और अलग अलग प्रकार की गंदगी जिस तरीके से मिल रहा है, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार, मानसिक दूषित व्यवहार इनके व्यापार में मिलता जा रहा है, इसीलिए सनातन सब्जी वाले की आवश्यकता। लेकिन सब्जी और फल तो हम धोके खाते हैं ना, कि वैसे ही खा लेते हैं आप? तो क्या मूत्र मिला हुआ खाएंगे क्या? नहीं, और ये जो मावे में जो मिलावट हो रही है, जो केमिकल खा रहे हैं, जो जहरीली दवाएं खा रहे हैं, उसके खिलाफ देश का संत समाज कुछ नहीं करेगा? नहीं, पूरा करेगा। गलत तो गलत है, गलत को गलत ही कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। सनातन सही है आज के समय में, तो सनातन को सही कहा जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं अब जवाब साहब आपका रुख करूंगी, क्या कहेंगे आप ये जो तरीके का इस समय चल रहा है? मुमताज साहब, माफ कीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने वाली बात है। ये कह रहे हैं कि सब्जी खाते हैं, सब्जी इसलिए खाते हैं ताकि खून बने, जिस मजबूत हो, इसीलिए खाते हैं ना। तो जो ब्लड बैंक हमारा है, जहाँ सारे लोग जाके खून देते हैं और वो जब किसी चढ़ाया जाता है, क्या कभी कोई पूछेगा इन दोनों लोगों से, पूछिए कि क्या जब ये बीमार हो जाए खुदा न खास्ता और इन पे जब खून आ जाए? नहीं, एक मुसलमान का खून और थूक में तो फर्क होगा कि नहीं होगा आपके लिए कुछ? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब खून आएगा तो खून जब चढ़ाया जाएगा तो क्या ये पूछेंगे
कि ये बताइए कि ये जो खून आया है ये मुसलमान का है कि हिंदू का है, सिख का है कि ईसाई का है, किसका खून है? और अगर मुसलमान का होगा तो बिल्कुल हम नहीं चढ़ने देंगे, चाहे मर जाएं, ये कहेंगे? इनमें है दम? मैं बताता हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ। देखिए सियासत जो है वो क्या क्या रंग दिखाती है, कभी सब्जी को और कभी जो है दूसरी चीजों को हिंदू मुसलमान बनाती है। हाँ। ये अगर सनातनी सब्जी वाले की जगह अगर हिंदुस्तानी सब्जी वाला लिखा होता तो आज मेरा दिल बेइंतहा खुश होता। लेकिन ये लिखने की जो वीडियो सामने आ रहे हैं, थूकते वीडियो आ रहे हैं या वो गलत है, गलत हाँ। को सभी लोग गलत करते हैं, लेकिन उसको एक धर्म के चश्मे से देखना और उसके पीछे सियासी एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार के लोगों का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे लोगों का है। और वो लगातार जब से हम आए हैं देख रहे हैं सियासत को 2014 के बाद से, वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, वो बढ़ाया जा रहा है जानबूझ करके। नवल किशोर जी क्या कहेंगे आप सब्जी में? तो आप चलिए ये कर लेंगे कि सनातनी सब्जी और सनातनी फल, ये तो चलिए मैं एक बार को आपकी बात मान लूं, हालांकि मैं सहमत नहीं हूं इससे, लेकिन ये जो मिलावटी दवाइयां आ रही हैं, मिलावटी मावा आ रहा है, दिवाली का त्योहार, हर घर में मिठाई खाई जाती है, क्या उस पर संत समाज को कोई आपत्ति नहीं है? अगर आपको इस गंदगी से ही आपत्ति है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर आप ये भी कहते कि ये थूक और पेशाब मंजूर नहीं है तो हमें वो नकली सामान भी मंजूर नहीं है। निसंदेह कोई भी भोजन में मिलाया हुआ या दवाई हो, कोई सी मिलावट तो कहीं भी अच्छी नहीं है। मिलावट जहां भी होगी वो नुकसानदेह होगी, जीवन नहीं दे सकती, जीवन ले सकती है। मुझे लगता है किसी भी देश में ऐसा कोई कानून अच्छे अच्छे बने कि कोई दवाई में खाने की वस्तु में मिलावट करे तो उसे दंड दिया जाता है। हम तो चाहते हैं आपके माध्यम से हमारे यहाँ भी इस प्रकार का कानून बने कि दवाई में या खाने पीने की वस्तु में कहीं तो कानून तो मुसलमानों के थूकने और पेशाब पर भी है ना, तो फिर उस पर आपको इतनी आपत्ति क्यों? वो तो अगर किसी भी आदमी को ऐसे पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनिए, कानूनी कार्रवाई नहीं, वास्तव में एक मानसिकता ऐसी बना दी गई है, मानसिक उनको सिखा दिया गया है, एक तरह का भी एक जिहाद है कि इस तरह से करो, वो उससे दिक्कत है, हमें किसी व्यक्ति से दिक्कत नहीं, किसी परंपरा से दिक्कत नहीं, पेशाब जो किशोर जी आप बताइए कि थूक देने से या और कुछ इस तरीके से इससे क्या फायदा होगा खुद मुसलमानों का, दीन का? एक मिनट, नहीं जो आप नहीं झूठ आप बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा वीडियो का झूठ बोलता है भाई, ऐसा है वीडियो में कितनी बड़ी बड़ी शादी चल रही है, अयोध्या में मैडम आठ नौजवानों ने टोपी लगा करके जा करके मूर्तियां तोड़ी, ये कश्मीरी मोहल्ला है अयोध्या में। और योगी जी क्या प्रमाण? ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूं, अरे एनएसए के ये बात सही है, बुलंदशहर में मैं उदाहरण देती हूं, स्वामी जी मैं उदाहरण देती हूं, बुलंदशहर में एक मिनट रुक जाइए बुलंदशहर के एक गांव में मूर्तियां तोड़ दी गई, जब जांच हुई तो गांव के हिंदू लड़के निकले, हापुड़ में एक मंदिर में बांस फेंका गया, जब जांच हुई तो हिंदू लड़का निकला, अयोध्या में ऐसे ही हुआ था, गुजरात में भी तीन लोग रेलवे कर्मचारी थे और गैर मुस्लिम थे और उनको मुसलमान बताया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जो क्राइम है, जो क्राइम ऑफेंस है वो क्राइम है, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन इस तरह से ये बांट देना मैं समझता हूँ ये गलत है। ये बताइए स्वामी जी कि इस तरीके से अगर हिंदू मुसलमान में देश को बांट देंगे तो जो पुरानी संस्कृति है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, आपको नहीं लग रहा कि आप समाज के ताने बाने को तोड़ देंगे? तहजीब को सार चार करा किसने, पेशाब और थूक मिलाया किसने? तो दोषियों को सजा की बात करिए ना, आपने तो ये कह दिया कि साहब ये सनातनी सब्जी वाला यानी सिर्फ हिंदुओं से खरीदी है, नहीं आप तो ये कह रहे हैं ना, आप ये कहिए कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ तो पूरी की पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन सनातन इस सच्चाई और इस पवित्रता का प्रतीक है जिससे जो बाकी लोगों का धर्म बिल्कुल भी खराब ना हो। और इससे ठीक है, अब यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि देश जो है वो सनातनी सब्जी या इस्लामिक सब्जी इससे ज्यादा परेशान है या बढ़ती सब्जी की कीमतों से ज्यादा परेशान है? भैया मुझे ये बताओ कि टमाटर की इस समय धर्म तय हो रहा है उससे तुम ज्यादा परेशान हो या बढ़ती हुई महंगाई से ज्यादा परेशान हो? बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है मैम। बढ़ती हुई महंगाई से क्यों? खरीद कम हो रही है फिर? जी खरीद बहुत कम हो रही है तो उससे नुकसान हो रहा है। पहले टमाटर कीमत पूछ लीजिए, टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? 30 का पाव, 30 का पाव यानी 120 रुपए किलो। अब बताइए, अब आम आदमी मतलब टमाटर की चटनी के साथ भी रोटी नहीं खा सकता, 120 रुपए किलो। चलिए मैं सेब के ठेले पे जल्दी से चलती हूँ, भैया ये सेब कितने रुपए किलो दे रहे हो? 100 रुपए किलो दिया। 100 रुपए, तो किस चीज से ज्यादा परेशान हो? इसका धर्म तय हो रहा है इस बात से या इसकी कीमत बढ़ रही है? महंगाई की वजह से। तो देखा आपने, ये फल वाला ये सब्जी वाला, हो सकता है कि कोई बहुत बड़े ज्यादा पढ़े लिखे या प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं कि सब्जी और फल का धर्म तय होना जरूरी नहीं है, सब्जी और फल की कीमतें काबू में रखना जरूरी है।
Z News.